अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। तो आज हम बनाएंगे समोसे, वो भी कीमे के हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इसको गरम कर लिया है मैंने पहले। और ये 1/2 किलो बीफ़ का कीमा लिया है मैंने, इसको मैंने एक टोकरी में रख लिया था, इसका सारा पानी वगैरह ड्रेन हो गया है और बिल्कुल खुश्क कीमा है ये, इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। तो इसको हम बहुत हल्के मध्यम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, जो इसमें पानी है एक्स्ट्रा वो भी इसका खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से, और इसका दाना दाना हो जाए। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल दाना दाना कर लेना है इसका हमें, और इसको मुसलसल हम फ्राई करते हुए चलाते रहेंगे। अभी हमारा तैयार हो चुका है, इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं और भर के ही 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं। और इसको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये मसालों का, जो ख़ास तौर पे हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें, ये एक पाव मैंने प्याज थी इसको बिल्कुल चॉपर में डाल के इस तरह से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक है, और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल ही बारीक कीजिएगा इसी तरह से, और इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट ही के लिए इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वरना प्याज बिल्कुल मुरझा जाएगी और प्याज पानी छोड़ देगी इसमें। ये देखें, अभी भी आपको वाजह तौर पे प्याज नज़र आ रही होगी इसमें, इसलिए हम इसको मध्यम ही फ्लेम पे रखेंगे, बिल्कुल मीडियम पे नहीं रखिएगा। और ये देखें, 10 से 12 हरी मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं इस तरह से हमने, चाहे तो आप इसको पीस भी सकते हैं, मैंने इनको चॉप की है। और ये हम इसमें शामिल कर लेंगे, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, और ये बहुत मज़े के कीमे लगेंगे। तो ये समोसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम ठंडा कर लेंगे और फिर आपको ये देखें, ये इसमें ज़ीरा है और कूटा हुआ धनिया, दोनों चीज़ें मैंने भून ली थी, 2-2 टेबल स्पून लिया था मैंने, इनको बहुत अच्छी तरीके से इनको भून के कूट लिया था, और ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं। बस मसालों में इतना सा ही सामान इसमें जाता है, इससे फालतू और कुछ नहीं जाता। ये भी हमने एंड में डाला है, ठीक है। और ये देखें, इस तरह से तैयार मैंने बाज़ार से ली है ये समोसे की पट्टियाँ, और ये आटे का हमने घोल बना लिया है इस तरह से, ठीक है। और ये पट्टियाँ हम ये लेंगे, ये देखें इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और बहुत इस तरह ये यहाँ अंगूठा रख के इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये बिल्कुल इस लाइन से इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये इसी तरह से हमारा त्रिकोण बनेगा समोसा, अगर हमने इस तरह से इसे फोल्ड नहीं किया तो ये त्रिकोण नहीं बनेगा। और इसको अच्छी तरह से भर के बनाइएगा समोसों को। ये देखें, ये आपको मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ, इस तरह बआसानी इसको हम फोल्ड कर लेंगे, देख लें। ये देखें, ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो इस पे हम ये आटे का जो बैटर हमने बनाया है, ये इस तरह से हम लगा के इसको उंगली की मदद से फैला लेंगे, और इसको बआसानी से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे,
और ये देखें बिल्कुल बेहतरीन समोसा बना है हमारा, जिस तरह से बाज़ार में तैयार मिलता है, और बहुत अच्छा बड़ा सा समोसा बना है। इस तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, ये देखें पट्टियाँ बहुत बारीक होती हैं, ये इतनी, आप ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से इसको पहले कोना इसका यूँ बिठाना है, और ये देखें इस तरह हम इधर अंगूठा रखेंगे इस पर, और इस तरह से इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए इसमें हम अपना कीमा भर लेंगे। कीमा फुल अच्छी तरह से भरिएगा इसमें, ये देखें, जब भी आपको असल कीमे के समोसे का जायका आएगा इसमें। और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और फिर हम इस तरह से इसको आटे का जो ये बैटर हमने बनाया है ये लगाकर उंगली की मदद से फैलाएंगे, और इसको इस तरह से, ये देखिए ये फोल्ड हो गया। ये ऐसे ही तमाम बना लूँगी मैं, आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन बने हैं, किस तरह से ये, जब ये तमाम तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप चाहे रोज़ रूटीन में ही बना सकते हैं, और इस तरह से बनाकर तमाम बना लें एक साथ, तो इनको वन बाय वन करके इसी तरह किसी बॉक्स में रखें। जब आप एक रख रहे होंगे और दूसरा उस पर रखेंगे, तो बीच में कोई बटर पेपर रखें या पॉलीथीन बैग वगैरह जो आते हैं वो आप बीच में रखें, ताकि आपस में चिपके नहीं। फिर आपको जब फ्राई करने हो तो इनको निकाल लें और ठंडे तेल में डालें। अब हम इनको इसी वक्त ताज़ा तैयार करके दिखा रही हूँ मैं आपको, तो मैं इनको गरम ऑयल में डालूँगी, इतना गरम ऑयल हो कि या ज़्यादा तेज़ ना हो कि ये जल ना जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इनको ही फ्राई करेंगे, ताकि ये ज़्यादा तेज़ ऑयल में ज़्यादा जल ना जाए, इसलिए। ये देखें बिल्कुल मीडियम ऑयल पे हमने इनको फ्राई करना है। जब इन्हें हम निकालने लगेंगे तो हम फ्लेम को हाई कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें होगा वो निकल जाए, वरना अगर हमने ऐसे ही तेज़ फ्लेम पे रखा तो ये जल जाएंगे। अभी हमारा फ्लेम हल्का है, ये देखें, इस वक्त हमने फ्लेम तेज़ कर लिया है, और इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। ये मैं आपको अभी 6 फ्राई करके दिखा रही हूँ, फिर बाकी हम शाम में इफ्तार में तैयार करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह आप इनको तैयार कर सकते हैं, घर पे ताज़ा समोसे बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।